देश कामरू है, यह माया नगरी है, यहां महिला राज चलता है, मर्दों का राज नहीं। यहां के मर्द महिलाओं की सेवा करते हैं, मर्द पैर दबाते हैं, बिस्तर लगाते हैं, खाना बनाकर खिलाते हैं। और तुम कहां से आए हो? अरे चुप, तो महिला राज लेकर के बैठी। जब मैं सही कर रहा हूं, देर में तुम लोग सो जाते हो। कैसी महिला राज? अरे हम उस राजकोट के सेनापति, मेरा नाम भरत सिंह है। तो मैं भी कोई मामूली नहीं। नहीं मालूम, मेरे लिए औरत घूंघट में रहती है, जिन्हें हम लोग इज्जत और अस्मत मानते हैं, वह हमेशा घर के काम काज में आती है, रात में अपने पति के साथ बिस्तर पे रोना फरमाती है। तो ये तेरे वहां होता होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और तू मुझे कोई मामूली समझ रहा है? मैं यहाँ की सेना नायक सेनापति कामिनी देवी, मेरा नाम कामिनी देवी है। कामिनी, ये तुम्हारा जुनून जरा देर में चूर चूर हो जाएगा। मैं कहती हूँ, अगर जाना चाहते हो माया नगरी में, प्रवेश करना चाहते हो, तो अपने सर को मेरे कदमों में झुका दो, चले जाओ। और अगर नहीं झुकाओगे तो यही तेरा सर काट कर माया देवी के कदमों में डाल दूंगी। अगर दोबारा ऐसी जुबान चलाई तो मैं तेरा सर काट दूंगा। मरेगा 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 मेरे हाथों से। अपने सर को मेरे कदमों में झुका दे, चला जा, नहीं तो तेरा सर कलम कर दूंगी। तेरी जवान 90 की कतरनी से भी तेज हो गई है। एक बात से मैं डरता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, औरत पे हाथ उठाना अधर्म होता है। काश तेरी जगह कोई मर्द होता तो अब तक इस सरसताप खंजर से मैं उसका सर काट दिया हूं। तो मेरे हाथों से नहीं मानेगा तो मरेगा। तैयार हो जा, और देखते हो कैसे तू जाता है, कैसे प्रवेश करता है। तो इसका मतलब मेरे प्राण को तुड़वाना चाहती है। और क्या? मैं कसम खा के आया हूँ, अपना प्राण पूरा करने के लिए। तू तो एक औरत है, मैं काल से भी टकरा जाऊंगा। इसके सर के बाल मोड़ देता, इसका मुंडा बना करके भेजता। ठीक है, एक कांटा तो दूर हो गया। अब आगे कामरू की तरफ नजर बढ़ाता हूं और कदम उठाता हूं। नहीं, ये बात चलकर महारानी से बताऊंगी, बताऊंगी और इसे गिरफ्तार कराऊंगी। हो चुकी है मेरी सेना नायक सेनापति कामनी देवी। और गजब हो गया, और आज महारानी भाई कौन सा इतना बड़ा गजब हो गया है जो रोते हुए मेरे पास आई हो? महारानी जी, बताऊंगी। और मुसाफिर महारी आया
इतना ही नहीं, मुझे मारा, प्राचित कर दिया महारानी जी, उसे कैद करा लो। जरूर कैद कराऊंगी, मेरी मर्ज में यही आया है। आज आज जो काम मुझसे नहीं होता था वो अपने पारस जादूगर से करवाती थी। मैं अपने पारस जादूगर को बुला रही हूँ। ओम काली कमीछा नमा, ओम काली कमीछा नमा, पारस जादूगर प्रकट हो, प्रकट हो। कहो महारानी जी, आज अचानक पारस जादूगर की कैसे याद आ गई? कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो पारस जादूगर को याद किया? जरूर बताऊं कि मैं तुम्हें किस लिए याद की हुई हूँ। एक मुसाफिर मेरी बारिश में आया है। क्या? और मेरी कामनी देवी को भी मारा है। और जाओ जाओ उस मुसाफिर को पकड़ करके मेरे कदम में डालो। क्या महारानी, घबराओ नहीं। अगर मुसाफिर कोई बागीचे में आया हुआ है तो मैं आपसे वादा करता हूँ उस मुसाफिर को बांध करके आपके कदमों में लाके डाल दूंगा। पहले मैं देख लो वो मुसाफिर इस समय है कहाँ पर। अच्छा तो बगीचे में है, घबराओ नहीं महारानी, मुझे आज्ञा दो, मैं सक्रिय तौर पर के आपके जा सकते हो। कामनी देवी जी, महारानी जी, अरे जादूगर का इंतजार करो, मैं सच में जाती आराम करती हूँ। कैसी आज्ञा महारानी? जाओ महारानी जाओ, बिल्कुल तुम उल्लू की पट्टी हो। मैं हार कर आई थी, जान बूझ कर हार गई थी। अब ये बहादुर है, सेना नायक सेनापति है, और इसे महारानी तुम्हारा खून कराऊंगी, कैद कराने भेजा है, ऐसी आग लगाऊंगी कि इस दुनिया में तू जिंदा नहीं रहेगी। इस माय नगरी की महारानी मैं बनूंगी। वाह भाई चमन की, वाह भाई चमन की, किया अजब की सैर, जमा यही पर हो गए, बढ़े न आगे पे। ये चमन तो कितना खूबसूरत है। अरे ऋतु यहाँ सारा दिन बसंत ऋतु रहता है, हर मास में बसंत ऋतु रहता है। कोयल कूक रही है, डाली डाली गुलशन की फूल रही है। भाई वाह, जितना कहा जाए थोड़ा ही है। और चमन में छाया बसंत बहार, चमन बेल
बड़ा अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी पुरवाई है, मैं भी चलते चलते थक गया हूँ। इससे बढ़िया स्थान कहाँ मिलेगा, इसी बगीचे में थोड़ा सैन कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, पाँव की थकावट और दिल का बोझा उतर जाएगा। चुमन में जो आज देश कामरू और माया नगरी को आया है, नहीं हमने माया रानी से वादा किया है, मैं उस मुसाफिर को पाकर तुम्हारे कदमों में ला करके डालूंगा। लेकिन नहीं, आज अगर इसे मैं बांध देता हूं तो ये सानेगा क्या कौन आया और किसने हमें बांधा है, इसलिए इसे जगह देना ही उचित। आराम से सो रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा और यहां क्यों आए हो? गुस्ताख, गुस्ताखी की है कर कच्ची ने तुम्हें मौकू दिया जगा, अब पाजी अरे बिल्कुल नहीं तेरी खैर पड़े। साले क्या नाम है तेरा? पारस जादूगर। जादूगर, ये युद्ध का अखाड़ा है, गांव में डुगडुगी बजाकर बच्चों को तमाशा नहीं दिखाना है। साले मक्कार, पत्थर से टकराते हो, चूर दिल में आता है कि सारा तरसूर तेरी ऐसी जगह मारूं ना तो किसी के बताने के लायक रह जाए और ना तो दर्द। माफ कर दो, अब ऐसी गुस्ताखी नहीं करें।
कान खोल कर सुन लो, मेरा नाम भारत सिंह सेनापति है। मैं यहां किसी कार्य से आया हूं। जो भारत सिंह से टकराएगा हमारे हाथ से मारा जाएगा। उठा रहे छोरी झंडा, साले कच्ची रेत में जगह दिया है, अभी हम खर्राटा भी नहीं भर पाए थे। मुझे जमाई आ रही, साले ये अल्टा बट्टा उठाओ। नींद वही जोर लग रही थी, ये साला टुकटुकी वाला। अरे जाओ रे, क्या कर रहे हो, क्या झोली में खड़बड़ा रहे हो? अरे मैं नींद लग रही है। अब हमें सोने की देर। अरे जाओ रे, उन दोनों पतालों को पतालो, आओ पतालो। भोजन मांग रहे थे, ये भोजन तुम्हारे सामने, कर लो फौरन। और मंजिल पे आ गया हूं, अब कुछ कहा नहीं जाता। अच्छा, इतना बलवान था तो इसलिए मुझे जादू का सहारा लेना पड़ा। दादा, बहुत ताकत थी तेरे जिस्म में, हमें मारना चाहता था साले। अरे आज तक कोई पार जादूगर को मार सका है? पार जादूगर, तुझे तेरी माँ और बाप की सौगंध है, एक बार जादू से आजाद करते कुत्ते, तो मैं तेरे 32 दांत तोड़ कर तेरे गदले में रख दिया। तो मेरा नाम ठाकुर भारत सिंह है। अच्छा, जादू से तुझे आजाद कर दूं ताकि तू फिर मुझे पटक पटक कर मारे? अरे तेरी औकात में इसे ले चलो महारानी के पास खसीते हुए, ले चलो चाले को। महारानी जी, काफी समय हुआ लेकिन पर जादूगर उस मुसाफिर को कैद करके नहीं लाया। चलो कोई बात नहीं, आते होंगे, तरह उसका इंतजार करो, इंतजार करो। खाली हाथ नहीं, ये पारस जादूगर जिस काम के लिए जाता है अपना काम पूरा करके ही वापस आता है। हाँ, पूरा काम करके आए हो? पूरा काम, मैं उस मुसाफिर को बंदे बनाकर लाया हो। वो मुसाफिर है कहाँ? बता लो, ले आओ उसे। नहीं कामनी देवी, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी। महाराज जी, आपके कहने के अनुसार जो सामने वादा किया था
हमने अपना वादा पूरा किया, अब हमारा इनाम कहाँ है? तुम्हारा इनाम? हाँ। यानी अपने वादे से पक्के हो? 16 साल की कन्या तुम्हारे वहाँ तुम्हारे अड्डे पे पहुंच चुकी है। क्या कहा महारानी जी? 16 साल की कन्या हमारे अड्डे पर पहुंच चुकी है। जा सकती हो? ठीक है, जादूगर जाकर के और 16 साल कन्या के साथ भाव करता है। अब बोलो, मैं कहती हूँ अब अगर आपकी जान प्यारी है अरे चुप हो जा लुच्ची, मैं और सर तुझे झुका दूं? ये सर फट सकता है, ये सर कट सकता है, लेकिन ये दुश्मन के कदमों में कभी झुक नहीं सकता। महारानी जी, तुम मरेगा, अगर नहीं मानेगा तो तुम मरेगा। महारानी जी क्या क्या है? कामनी देवी, कामनी देवी, तुम एक मेरा काम करो, क्या? इसको 12 नंबर कमरे में बंद कर दो। कमरे में? जी, बंद कर दो इसको। महारानी, तुम्हारे यहाँ गलत शासन है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे उस कोल का काली कोठरी में क्यों भिजवा रही हो? अरे यहाँ की मैं हूँ माया, मेरा ही नाम है माया। माया जाओ, माया माया, एक दिन तुम्हारी नहीं मिलेगी छाया, जिस दिन बुरा वक्त तुम पर आएगा तुम भी अपने पांव की भीख मांगोगी और मेरे जैसे इंसान के पैरों में गिड़गिड़ाओगी महारानी, क्योंकि तुम्हें नाज है अपने हुस्न पे। ठीक है, डलवा तो मुझे काल कोठरी में। जाओ कामनी देवी, लेकर 12 नंबर कमरे में इसको डाल दो, हुक्म के मुताबिक पहुंचाओ। कुछ तो बात इसकी समझ में आती है, कुछ तो बात नहीं आती है। कुछ ये भौरा कली, चलो कोई बात नहीं, आज इसके पीछे जाकर देखती हूं कि कली और भौरा क्यों सी बात एक में मिला के करता था। पास अब भी वक्त है, जान प्यारी है तो महारानी के कदमों में सर को झुका दे तो माफ कर दिया जाएगा, वरना इस काल कोठरी में तेरी जिंदगी बीत जाएगी। ज्यादा हुस्न के गुरु।